सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां आप देख रहे हैं कि नायरा एक बहुत ही भयानक बीमारी से जूझ रही है। शो में आप देख रहे हैं कि नायरा ऑपरेशन के लिए जाती है और कार्तिक जाने से पहले उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। कार्तिक नायरा से वादा लेता है कि वो अपनी बीमारी से लड़कर बाहर आएगी, वो कार्तिक को अकेले नहीं छोड़ेगी। नायरा की सर्जरी शुरू हो जाती है और सब लोग बहुत ही टेंशन में होते हैं। अब शो में आप देखेंगे कि नायरा अपनी सारी बीमारी से लड़कर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जी हां, नायरा की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाएगी और अब उसके बाद होगा नायरा और कार्तिक की फैमिली में ग्रैंड वेलकम, जहां कार्तिक की फैमिली और नायरा की फैमिली इसमें बिजी होंगे और अब वो अब नायरा के ठीक होने से बहुत खुश हो जाएंगे। वहीं अखिलेश अब इस टाइम का उठाएगा फायदा। सब लोग जहां नायरा में बिजी होंगे, वहीं अखिलेश इन सब के बीच अपने प्लान को अंजाम देने लगेगा। अखिलेश मनीष के अगेंस्ट हो चुका है क्योंकि वो हर बार कार्तिक को ही इम्पोर्टेंट देता है और अखिलेश को लगता है कि उसकी मेहनत का फल भी कार्तिक को मिल रहा है, इसीलिए वो मनीष से धोखे से प्रॉपर्टी पेपर पर साइन करवा लेगा और वो सारी प्रॉपर्टी सारा बिजनेस अपने नाम कर लेगा। मनीष अखिलेश पर पूरा भरोसा करता है और उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसका भाई कभी उसके साथ ऐसा कुछ कर सकता है। और अब जल्दी ही शो में अखिलेश का ये एविल गेम सबके सामने आ जाएगा और ये आके कार्तिक की फैमिली की शांति छीन लेगा। अब देखते हैं कि कैसे कार्तिक की फैमिली इस मुसीबत का सामना करती है। वेल, शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस।